सलाम वालेकुम, मैं हूँ सर अहसन अब्दुल्ला पटेल। कंटिन्यू करेंगे बायनॉमियल के लेक्चर को। जनाब, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 + x की पावर n के लिए फॉर्मूला बनाया गया। तो ये फॉर्मूला खुलता है 1 + nx + nn-1/2 ∗ x² और आगे आने वाली टर्म्स क्या होंगी, nn-1 n-2/3 ∗ x³। फिर आगे आने वाली होगी nn-1 n-2 n-3/4 ∗ x⁴। यहाँ पर पावर होल नंबर से नहीं होती, होल पावर नंबर में नहीं है, यानी या तो नेगेटिव है या तो फ्रैक्शन में है। और इसकी tr+1 बनती है nn-1 n-2.. r·x⁴। जितना r होगा उतने मल्टीपल्स होंगे। अगर r3 होगा तो nn-1 n-2/3 ∗ अगर r5 होगा तो nn-1 n-2 n-3 n-4/5 ∗ अगर r2 होगा तो nn-1/2 ∗ कुछ हमारे पास फॉर्मूले कि 1 − x की पावर -1 किसके बराबर है, 1 + x की पावर -1 किसके बराबर है, 1 − x की पावर -2 किसके बराबर है और 1 + x की पावर -2 किसके बराबर है। जनाब, इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हमने इसकी एक्सपेंशन की। जब तो हमने ये एक्सपेंशन की तो कैसे की, 1 + nx n n-1/2 ∗ x² n n-1 n-2, यहाँ पर एक मिसिंग है फैक्टर, n-1 का फैक्टर भी आएगा, दैट इज 3/2 − 1 का फैक्टर और √3। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर हमें मिल गई फर्स्ट नेगेटिव टर्म। उसकी वजह यह है, जब 3/2 में से आप 2 माइनस करेंगे तो आएगा -½, तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक, और ऐसे केस में जो बायनोमियल सीरीज होती है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होती हैं। तो क्वेश्चन हमें दिया गया कि 1 + 2x⁵2 की फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालें। तो हमने जब एन देखा तो इसका एन है 5/2, हमने कहा नेगेटिव नहीं है। फिर हमने n-1 को चेक किया तो वो 3/2 है, वो भी नेगेटिव नहीं है। n-2 को चेक किया तो वो भी 1/2 है, वो भी नेगेटिव नहीं है। लेकिन जब हमने n-3 किया तो हमें मिल गया -1/2, जो कि फर्स्ट नेगेटिव मिल गया। इसका मतलब इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म हासिल करने के लिए हमें n-3 तक जाना पड़ेगा। तो हमने यही किया, n n-1 n-2 n-3, 1 2 3 4, चार फैक्टर, जितने फैक्टर उतना ही आर। तो आर हो गया 4 के बराबर, तो अपॉन में रख दिया 4 फैक्टोरियल, यही फार्मूला जनाब। और एक्स की पावर आर है जनाब, ये हो जाएगा 2x⁴। फर्दर हमने सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लिया पहले हमने, उसके बाद हमने कैंसिलेशन की, ये 2 2 2 16 हो गया, कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद हमने फर्दर सिंप्लीफिकेशन की, इन दी एंड आंसर हमें मिला -5/8 x⁴। ठीक, आप देख सकते हैं सोल्यूशन। अच्छा जी, फॉर सपोज लिखा हुआ है 2 + 3x⁵, हमें x³ रिक्वायर्ड है। तो इसकी जुगाड़ ये है कि अगर यहाँ पर x ना हो और यहाँ पर x की सिर्फ सिंपल एक पावर हो, तो जितनी पावर रिक्वायर्ड है r भी उतना ही रखेंगे। अगर x⁴ रिक्वायर्ड होता तो हम r⁴ रखते, x³ रिक्वायर्ड था तो r³ रखा। और टर्म का फॉर्मूला वही है, tr+1 a की पावर n-r b की पावर r। ठीक, जैसे यहाँ पर कह रहा है 2 + 3x⁷ कह रहा है, रेशो निकालना है टर्म x⁴ का और टर्म x² का। अभी हमने देखा कि यहाँ पर x नहीं है और यहाँ पर x की पावर सिंगल है, तो पावर 4 के लिए r⁴ और पावर 2 के लिए r⁪। तो पावर 4 के लिए टर्म बनेगी 4+1 और पावर 2 के लिए टर्म बनेगी 2+1, n कॉम्बिनेशन r, a की पावर n-r, b की पावर r, n कॉम्बिनेशन r, a की पावर n-r, b की पावर r। कॉम्बिनेशन खोला हमने, कुछ कैंसिलेशन की, कैंसिलेशन वगैरह देखें किस तरीके से की है, कि देखें जनाब, ये बन रहा है 2³ और ये बन रहा है 2⁵। तो हमने इसको 8 लिखा और 32 लिखा, फिर कैंसिलेशन की, जबकि 3 का स्क्वायर लिखा, कैंसिलेशन की, तो 3 का स्क्वायर 9 बचेगा। ठीक, इस तरीके से कॉम्बिनेशन की भी आपस में कैंसिलेशन की। तो इन शॉर्ट रेशो निकालना था, रेशो का मतलब होता है डिवाइड।
डिवाइड करने के बाद हमारे पास फुल एंड फाइनल जो आंसर निकला है 15/4 x2। अच्छा भाई, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है 1 + 1/4 की पावर एन है, आपको एन निकालना है अगर थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म बराबर है। तो जनाब हमें पता है कि थर्ड टर्म का मतलब है T2+1, फोर्थ टर्म का मतलब है T4+1। तो एन कॉम्बिनेशन आर ए की पावर एन माइनस आर, तो बेटा 1 की पावर तो कोई सी भी रखें मसला नहीं है, तो सिंपल इज दैट 1/4 की पावर आर रखेंगे, क्योंकि 1 की पावर रखने तो कोई मसला नहीं होगा। तो हमने एन सी टू को खोल लिया एन एन माइनस वन अपॉन टू, और एन सी फोर खोल लिया एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री अपॉन 4 × 3 × 2 × 1। तो अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा, सिर्फ 1 बचा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जनाब यहाँ से एन निकालेंगे। अब ये मिल गई एक मुश्किल इक्वेशन, तो बच्चों का सवाल ही होता है सर इससे एन कैसे निकलेगा। तो इसका तरीका ये है भाई कि आपके पास ऑप्शन में एन दिए हुए हैं और उसको आप यहाँ पर पुट करें, वेरीफाई करेगा। ठीक, तो एक रैंडम क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको, किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये क्वेश्चन है जनाब, K+X की पावर 6 है, K मांग रहा है और कह रहा है कोफिशियंट ऑफ X² बराबर है कोफिशियंट ऑफ X4 के। तो हमने देखा यहाँ पर ए नहीं है, मतलब एक्स नहीं है, और यहाँ पर एक्स की पावर सिंपल है, तो स्क्वायर का मतलब हो जाएगा आर की वैल्यू 2, दैट इज़ टर्म 2+1। पावर 4 का मतलब है आर की वैल्यू 4 हो जाएगी, दैट इज़ टर्म 4+1। तो इधर भी कॉम्बिनेशन लगा के वही एन कॉम्बिनेशन आर, ए की पावर एन माइनस आर, बी की पावर आर, एन कॉम्बिनेशन आर, ए की पावर एन माइनस आर, बी की पावर आर, सॉल्व करके दोनों को इक्वेट कर दिया। तो जनाब यहाँ से बन गई हमारे पास के की इक्वेशन, कैंसिलेशन होने के बाद K² हमने कॉमन निकाला तो के की वैल्यू 0 आ रही है, और K² -1 से जब K निकालो तो K आ रहा है +-1। इसका मतलब तमाम पॉसिबिलिटीज हैं K की, जिस पे कोफिशियंट ऑफ X4 X² और कोफिशियंट ऑफ X4 हमेशा बराबर होंगे। तो जरा अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि हमने बायनोमियल का लेक्चर अपना कंप्लीट किया। कोई छोटी मोटी बात या कोई बड़ी परेशानी या किसी भी किस्म का कोई मसला आपको डिस्कस करना हो, आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी डिस्कस कर सकते हैं, नंबर नीचे डिटेल्स में मौजूद है। उसके अलावा आप यूट्यूब पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, कोई भी किसी किस्म की परेशानी हो, कोई मसला हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम।